हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर ने बड़ी घोषणा कर दी है। बाबा बागेश्वर का दावा है कि अब तक हिंदू उनसे कथा करवाते थे, लेकिन इस बार मुसलमान बाबा बागेश्वर की कथा करवाएंगे। और मुस्लिम बस्ती में बाबा बागेश्वर की कथा के लिए लोकेशन और यजमान दोनों फाइनल हो गए हैं। बाबा का दावा है कि जल्द वो इस कथा की तारीख का ऐलान भी कर देंगे। बाबा बागेश्वर इस वक्त एमपी के महाकौशल में अपना दरबार लगाकर बैठे हैं। महाकौशल वो इलाका है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। और गौर करने वाली बात यह है कि 6 महीने बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। टक्कर इस बार कांटे की होने वाली है और चुनाव के पहले बीजेपी के नेता बाबा के सामने दंडवत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बाबा महाकौशल में बीजेपी का बेड़ा पार लगा देंगे? क्या कहता है महाकौशल का गणित? एमपी की सियासत में कितना बड़ा फैक्टर है महाकौशल? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। अब तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने साफ, हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र के बाद क्या है बाबा बागेश्वर का अगला प्लान? मध्य प्रदेश के महाकौशल में बैठकर बाबा बागेश्वर ने भक्तों से क्या कहा? सामने मौजूद लाखों की भीड़ को बाबा ने कौन सा नया मैसेज दिया? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा ने कौन सा नया ट्रेलर दिखाया? क्या महाकौशल में बैठकर बाबा ने बीजेपी का पूरा वोट सेट किया? सब कुछ विद डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा का यह बयान सुनिए। तुम्हारी जितनी बड़ी चाह होगी मेरे पागलो, तुम्हारा पुरुषार्थ भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तुम सोचो कि पुरुषार्थ कम करें मंजिल बड़ी मिल जाए, ये तो बुद्धूपना की बात है। हमसे किसी ने पूछा कि हमने सुना है आप 3 घंटा सोते हो, हमने कहा ठीक सुना है। उन्होंने कहा आखिर इतना जागने की क्या जरूरत है, थोड़ा और सो लिया करो। हमने कहा माय डियर, सो तो हम बहुत ज्यादा लें, पर अभी तो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, अभी अखंड भारत कौन बनवाएगा? मतलब ये तो बस शुरुआत है। हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर के टारगेट का महज एक पड़ाव है, आगे पूरे के पूरे अखंड भारत की भी बात है। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। ये बात 100% सच है कि बाबा के पंडालों में इस वक्त लाखों की भीड़ जुट रही है। पिछले 2 महीनों में बाबा बागेश्वर ने सनातन की एक बड़ी ब्रिगेड खड़ी कर दी है, लेकिन विरोधियों का बीपी इसलिए भी हाई है क्योंकि बाबा के भक्तों में केवल हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी है।
महाकौशल में चर्चा इस बात की भी है कि बाबा की अगली कथा कोई हिंदू नहीं बल्कि कटनी के तनवीर खान करवाने वाले हैं। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी तीन दिन की कथा करवाएगा। ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा गाई करवाई जाएगी। बाबा अपनी हर कथा में हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवा रहे हैं। विरोध के बाद भी बाबा के शो हाउसफुल जा रहे हैं। बीजेपी खुलकर बाबा का सपोर्ट कर रही है और बाबा भी बिना नाम लिए इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले तीन चीजें घर पर रख कर आना। एक पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो अपनी छटरी बढ़ाओ, पर तुम सोचो कि हम अमीर आदमी हैं, वीआईपी प्रसाद मिलेगा, वीआईपी दर्शन मिलेंगे, तो तुम अपनी छटरी बढ़ाओ, क्योंकि ना तो हमें दान चाहिए। भारत का पहला दरबार तुम्हारा बागेश्वर बालाजी का दरबार है भैया, जिसे दान की नहीं हनुमान की आवश्यकता है। दूसरा घर पे रख के आओ पद, किस पद पे बैठे तुम अपनी दो बेट हटरी बढ़ाओ, जिस पद पे बैठे ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ। लेकिन तुम सोचो हम बड़े पद पर हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल, भक्त बनकर आओगे तो मिलेंगे, अगर तुम प्रोटोकॉल में आए तो ना तो तुम हम तुम्हें मिल भी, हम तुम्हारे यहां आए तो तुम हमें मत मिलना, हिसाब बराबर। तीसरा सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई दक्षिणा नहीं देना है, क्यों? क्योंकि हनुमान जी की कृपा बिकती नहीं है, बरसती है। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। अब तक आपने बाबा की स्टोरी को सुना, बाबा के डायलॉग्स को देखा, लेकिन अब हम आपको एमपी की पॉलिटिक्स से कनेक्ट करने वाला प्लान और महाकौशल की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर से वर्तमान सांसद राकेश सिंह की। राकेश सिंह मध्य प्रदेश के साथ महाकौशल की सियासत का एक बड़ा नाम है। चार बार के लोकसभा सांसद हैं और जबलपुर में बाबा के सामने इस वक्त नतमस्तक हैं। महाकौशल राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अंचल है। महाकौशल अंचल में एक संभाग, 8 जिले, 38 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें आती हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में 38 में से 24 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस केवल 13 सीटों पर सीमित रह गई थी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी को 38 में से केवल 12 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई खास बदलाव नहीं था। कमलनाथ का गढ़ यानी छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 3 सीटों पर दोनों चुनाव में बीजेपी ही जीती थी। मतलब आप 2018 में शिवराज की हार का एक बड़ा फैक्टर महाकौशल को भी मान सकते हैं, क्योंकि महाकौशल के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। जबलपुर जिले की 8 सीटों में से पाटन, पनागर और जबलपुर कैंट सीट को छोड़कर बाकी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई थी। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। डिंडोरी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने परचम बुलंद किया था। हालांकि कटनी में बड़वारा को छोड़कर बाकी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। बालाघाट में 6 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिली थी। सिवनी की 4 सीटों में भी यही हिसाब किताब था, 2-2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिली थी।
मंडला की 3 सीटों में से मंडला खास को छोड़कर 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। महाकौशल में कांग्रेस को मिले बम्पर वोट का एक बड़ा फैक्टर कमलनाथ थे, इसलिए बीजेपी ने अब डायरेक्ट कमलनाथ के अभेद किले में घुसकर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कमलनाथ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना खाऊंगा और ना, तुमने किया क्या? सवा साल सिवाय भ्रष्टाचार के किया क्या तुमने? मेडिकल कॉलेज का पूछ रहे हैं? हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 800 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। कह रहे थे हमने तो 1500 किए थे, तो वो खाने के लिए किए थे, मैं खाने के लिए करता क्या बताओ? अरे जितने में मेडिकल कॉलेज बनता है उसका शानदार मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का बनाएंगे। और सुनो छिंदवाड़ा के बहनों और भाइयों, आप गवाए, 1.25 साल केवल कांग्रेस की सरकार बीच में रही है। ईमानदारी से आज दिल पे हाथ रख के बताना, छिंदवाड़ा में विकास के काम किए हैं तो बताओ कौन ने किए हैं? जोर से बताओ कौन ने किए? एमपी में इस बार टक्कर कांटे की है, ये बात शिवराज को भी पता है और कमलनाथ भी इसे अच्छे से समझते हैं। इलेक्शन में कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, ये बात भी कांग्रेस को पता है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने आला कमान का नाम लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को कैच कर लिया है। 1 जनवरी को एमपी में कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री होने के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब जेपी अग्रवाल कहते हैं सरकार बनी तो सीएम कौन होगा ये कमलनाथ नहीं आला कमान तय करेगा। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, तो आश्चर्य की बात है, कोई कहता है भावी, कोई कहता अवश्यम भावी, अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भावी, अवश्यम भावी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी, अभी कोई तय नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। जेपी अग्रवाल पहले नेता नहीं है, इसके पहले एमपी कांग्रेस के आधा दर्जन नेता जिन्हें कमलनाथ ने 2018 में साइडलाइन किया था, वो भी कई बार इस बात की वकालत कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि 2023 का इलेक्शन कांग्रेस कमलनाथ के फेस पर ही लड़ने वाली है, क्योंकि सिंधिया की खिलाफत के बाद एमपी में कांग्रेस के लिए दूसरा कोई रिस्क लेने जैसे हालात ही नहीं बचे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।